तो गाइस ये लाइट है जिससे हम लोग अपना सेटअप करेंगे। और ये तो भाई कुछ ऐसा सा बैकग्राउंड आ रहा है और हमारा कोफर्ट हो चुका है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल मेक सेटअप फॉर माय गेमिंग चैनल। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट कि मैं गेमिंग चैनल क्रिएट करने वाला हूँ, तो तुम लोग को वहाँ पे मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम लोग जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मैं अभी ब्रेकफास्ट में एप्पल और पियर्स खा रहा हूँ, ये नाशपाती। मम्मी और भाई भी खा रहे हैं। और गाइस हम लोगों ने लाइटें और फूल भी हटा दिए हैं दिवाली वाले, क्योंकि भाई लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे थे। वो छोटे वाले नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, झींगे, वो आ रहे थे भाई बहुत ज़्यादा। और ये तो कौन, यहाँ पे नेट लगी हुई है, हमारे घर के अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत कीड़े थे भाई। मतलब इतने कीड़े, मान लो 200-300 ग्राम कीड़े होंगे भाई। तो इस वजह से हम लोगों ने लाइटें भी हटा दी हैं और एक लाइट लगा दी हम लोग ने ऊपर। तो वो देखो गाइस, वो फाउंटेन वाली लाइट लगा दी हम लोगों ने सिर्फ एक। तो गाइस हम लोग फाउंटेन वाली दो लाइट लगा रहे हैं, एक यहाँ सेकंड फ्लोर पे लगा देंगे और एक थर्ड फ्लोर पे लगी हुई है। तभी इस लाइट को भी लगा देते हैं। लाइए मैं लगाऊँ, ये देख रहे भाई मम्मी को। तो गाइस मम्मी मेरे साथ रह रहा है कि सब कुछ सीख गई हैं, लाइटें वगैरह लगाना, कनेक्शन करना। उधर हम जा रहे हैं तो किधर, अरे नहीं गिर जा जाएंगे, नहीं गिरेंगे तो। लो पकड़ो फोन, मैं जाऊँ उधर। ये लो, बहुत रिस्की है गाइस, यहाँ से मैं गिर भी सकता हूँ। वाली जाली साथ में पकड़ो, खिड़की वाली। तो गाइस मैं मौत से खेल के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और देख रहा हूँ बिल्कुल स्पेस नहीं, तो ऐसे ही आना पड़ता है। तो हम लोग ने यहाँ पे लाइट भी फिक्स कर दी है। और ये देखो यहाँ पे कितने सारे कीड़े आ गए हैं देखो रात में। सो इस वजह से हम लोगों ने लाइट चेंज कर दी है और अब मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने तुमको बोला था ना जब मम्मी से नहीं होगा तो मुझसे ही बोलेंगी। क्यों मम्मी, दिखा दो मम्मी की तरफ एक बार। तो गाइस मम्मी और भाई अभी बाकी का काम कर रहे हैं, सो मुझे भूख लग गई इसलिए मैं किचन में आ गया हूँ। तो मैं अपने लिए फ्राइड राइस बनाने वाला हूँ और मम्मी और भाई भी खा लेंगे वो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये अनियन को चॉप कर लेते हैं। तो गाइस मेरी चॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इन राइस को फ्राई करते हैं। तो भाई अभी घी गर्म हो रहा है और जब गर्म हो जाएगा तब इसको डालेंगे। और अब अनियन चिकन डाल सकते हैं, खाएं तो अनियन डालना। तो गाइस देख रहे हो मुझे कुकिंग भी आती है। तो गाइस हम लोग ने इसमें मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और अब प्याज थोड़ी रेड हो जाएगी तब इसमें हम लोग राइस डालेंगे। अब उसमें लेमन डाल लेते हम लोग। तो गाइस राइस फ्राई हो चुके हैं और कैसे लगे मम्मी? अभी खाए नहीं। खा के बताइए कैसा है। तुम्हें कैसे लगे भाई? मस्त मस्त। तो गाइस तुम्हारा खाना पीना सब कंप्लीट हो चुका है और अब चलते हैं सेकंड वाले फ्लोर पे, तो वहाँ पे मैं अपना गेमिंग सेटअप करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस ये लाइट है जिससे हम लोग अपना सेटअप करेंगे और ये लाइट बैकग्राउंड में रहेगी, इसलिए मंगाई थी मैंने, क्योंकि भाई कैमरे से इसका बोके इफेक्ट मस्त आएगा देखना। ये देखो भाई टीवी में देख रहे हो तो ऐसा बोके इफेक्ट आएगा बैकग्राउंड में, मस्त लगेगा। तो अभी चल के देखते हैं कि मैं जैसा सेटअप चाहता हूँ वैसा हो पाता है या फिर नहीं। और ये देखो भाई ये पूरा रूम खाली है और मैं अपनी सारी वीडियोज़ यहीं पर बनाता हूँ, रील वगैरह और इंडोर फोटोशूट देखा होगा वो भी मैं यहीं पर करता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड में ये वाली बॉल लूँगा और इसके बैकग्राउंड में लाइट लगाएंगे हम लोग। देखो ये मैंने स्टूल रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लाइट लगाएंगे, जल गई आज। लेकिन ये थोड़ा नीचे नहीं हो जाएगा स्टूल से? मैं इस तरह बैठूंगा और ये आगे बैठ रहा हूँ, ठीक है? ऐसे बैठूंगा, थोड़ी दिखनी चाहिए। चलो कैमरा सेटअप करके देखते हैं कैसा आ रहा है बैकग्राउंड, जैसा मुझे चाहिए वैसा आ रहा है या फिर नहीं। तो गाइस देखो अभी ऐसी आ रही वीडियो, पीछे लाइट तो सही आ रही, क्यों? तो गाइस पीछे वाली वॉल वाइट है ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इस लाइट को डार्क वॉल पे रखना पड़ेगा, अब इस वाली वॉल पे करेंगे हम लोग जो मेरे पीछे। देखते हैं भाई आपका यहाँ पे। तो गाइस अब इस वाली वॉल पे देखते हैं कैसा आ रहा है फ्रेम। तो ये देखो गाइस ऐसा बैकग्राउंड आ रहा है और ये वाली वॉल सही लग रही है ना? तो भाई तभी तुम कह रहे थे सही है भाई, इसी पे करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और आगे हो जाऊँ तो इसका बोके और ज़्यादा हो जाए। वो
तो हो जाएगा। देखो अच्छा रिकॉर्ड कर दो, आगे खसको ठीक है क्या? और ये तो कभी कुछ ऐसा सा बैकग्राउंड आ रहा है। तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, हमको कैमरा स्टैंड पर रखना पड़ेगा और जो कि नहीं है हमारे पास, तो अब हम लोग को वो ऑर्डर करना पड़ेगा पहले। तो जब स्टैंड आ जाएगा तब अच्छे से फ्रेम सेट हो जाएगा और रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस वापस हम लोग नीचे आ गए और हमारा पोपट हो चुका है क्यों भाई अब हम लोग को स्टैंड मंगाना पड़ेगा तभी चलेगी। हाँ और भाई बिना खर्चे के कोई काम हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों भाई वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हमारे साथ ये सब होता रहता है। और लेकिन भाई हम लोग सेटअप करेंगे तो अच्छे से करेंगे, बाकी ऐसे ही नहीं टालेंगे उसको फालतू। और जब सेटअप होगा ना तब तुम लोग को अच्छा लगेगा, जब लाइट वगैरह अच्छे से लग जाएंगी, RGB लाइट और रिंग लाइट वगैरह, तो तब देखना तुम लोग। और गाइस ये देखो हम लोगों ने लाइटें भी चेंज कर दी हैं, ये भी सही लग रही है मम्मी नहीं। तो गाइस अभी हम लोग शनि जी के मंदिर आए हुए थे, बिकॉज आज सैटरडे है ना, सो हम लोग एवरी सैटरडे शनि जी को दिया लाइट करते हैं, तो दिया जला के घर चलते हैं फिर। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और मम्मी ने चाय भी बना दी है, मैं तो पी चुका हूँ और मम्मी और भाई पी रहे हैं। और ये देखो भाई, ये देखो और यहाँ देखो भाई, दोनों लोग फोन में लगे हुए हैं भाई। एक तो मम्मी और भाई पूरा दिन अपना फोन में लगे रहेंगे और फिर मुझसे कहेंगे कि तो हम लोग से बात नहीं करता, घर पे चुप पे बैठा रहता है क्यों? तुम तो लगे ना रहते हो जैसे। तो मैं तो अपना कंटेंट के बारे में सोचता हूँ ना। हाँ तो हम अपना अपना गेम खेलते हैं। तो अभी तो मैं खाली बैठा हूँ ना, तो अभी भी मुझसे भाई देख रहा कोई नहीं बोल रहा। हाँ तो अभी भी हम पापड़ खा रहे हैं ना, बोले क्या पापड़ खा लो लोग। तो क्या मैं अभी अपना कंटेंट के बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ घर पे, और मेरा नेचर भी ऐसा है थोड़ा। तो भाई हमारी बात सिर्फ ब्लॉग में ही होती है, तो हम लोग ब्लॉग में बात करते हैं बस, बाकी ऑफ कैमरा हम लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते भाई, पूरा पूरा दिन हो जाता है बस खाने के लिए पूछना और ये सब होता है बस, और कुछ भी नहीं। तो गाइस मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।